और तुमने ही बाल सखी को किडनैप किया है। जल्दी बताओ बाल सखी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। Get out from here. देखो अंतरिक्ष, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने दादाजी के अपहरण होने का दुख है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत है। हमें सच सच बताओ बाल सखी कहाँ पर है? मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। Get out from here. मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। Get out from here. मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। Get out from here. मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। Get out from here. अंतरिक्ष! बालवीर, इसका मतलब ये अंतरिक्ष नहीं है, उसका होलोग्राम है। ये 3D वीडियो है बालवीर। मुझे लगता है कि इस खेल के पीछे किसी बड़े खिलाड़ी का हाथ है, जिसने एपीजे का अपहरण किया है मिसाइल्स का राज जानने के लिए। अगर आपको पता है कि बालवीर ने मेरे दादाजी को कहां छुपा के रखा है, तो चलिए ना हम लोग जाके छुड़ा लेते हैं उनको। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते, वो जगह बहुत खतरनाक है। और बालवीर, वो उन मिसाइल्स के पासवर्ड जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसी कौन सी जगह है? ये है वो जादुई कारावास। इसकी चाबी बालवीर के गले में थी। देखो उसकी गले में, तो किसी तरह मैंने वो चाबी निकाल ली और बालवीर को पता चल गया और बालवीर चौकन्ना हो गया। तो आप दादाजी को कैसे छुड़ाएंगे? देखो तुम जाओ और बालवीर से लड़ो, अंत कर दो उसका, ताकि बालवीर कारावास तक नहीं पहुंच सके। और मैं कारावास तक पहुंचकर तुम्हारे दादाजी को छुड़ा सकूं। ओके, मैं बालवीर को जेल तक नहीं पहुंचने दूंगा। उसने मेरे साथ चीटिंग की है ना, तो अब मैं भी उसके साथ चीटिंग करूंगा। बच्चों को झूठी कहानी से बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। मैं तुम्हें अपने जाल में ऐसे फंसाऊंगी कि तुम खुद मुझे मिसाइल्स का पासवर्ड बताओगे। बालवीर, तुम्हारी फ्रेंड बाल सखी ने मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी। मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे दादाजी का किडनैप नहीं किया। आई एम सॉरी बालवीर, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी फ्रेंड बाल सखी को लेकर AVP विद्या मंदिर स्कूल आ रहा हूँ। प्लीज तुम भी आ जाओ। वो बाल सखी को लौटाने की बात कर रहा है, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, चलो जल्दी बालवीर। नहीं बाल मित्र, हो सकता है कि वो बाल सखी को अपनी ढाल बनाकर आप पर और बालवीर पर फिर से आक्रमण कर दे। आप सही कह रही है, लेकिन उसकी चाल को समझने के लिए हमें वहां पर जाना ही होगा। ठीक है बालवीर, आप जाइए, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो बाल मित्र। बता इनको कि रॉकेट बॉय को किसने कन्विंस किया सरेंडर करने के लिए? मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी ने। अरे रॉकेट बॉय, रॉकेट बॉय, रॉकेट बॉय। बहुत हंसी आ रही है तेरे को? हाँ, मैं तुम लोगों को बता रहा था कि अगर रॉकेट बॉय आएगा ना तो कैसे अपनी जान बचानी चाहिए, समझा? दोस्तों,
रॉकेट बॉय यहाँ पर आ रहा है। क्या? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। भाग रोहित। बालमित्र, तुम्हें पता है ना कि हमें क्या करना है? हाँ बालमित्र, सब पता है। जा, जाके छुप जा। नहीं बाल मित्र, अंत हमेशा बुराई का होता है और रॉकेट बॉय सच्चा और अच्छा है। तुमने देखा नहीं, उससे सरोनी पर वार नहीं किया। इसका मतलब कोई उसे अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसके ऊपर एक यंत्र लगा दिया है जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो कहां पर जा रहा है और किसने उसे अपना मोहरा बनाया है। बाल मित्र, तुम एक काम करो, बेटा संभालो अपने आप को। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, मैं बहुत डर गया था। आप तो फेमस साइंटिस्ट है ना, आनंद प्रकाश जैन। हाँ लेकिन तुम कौन हो? मैं बाल सखी हूँ, बालवीर की दोस्त। लेकिन मुझे लाया कौन? वही प्रचंडिका। प्रचंडिका? मुझे आप प्रचंडिका लेकर आए? लेकिन मुझे तो उस रॉकेट बॉय ने किडनैप किया था। रॉकेट बॉय? कौन? पता नहीं, पर वो स्केटबोर्ड पे आया था और उसने छोटे छोटे मिसाइल से एवीपी स्कूल पे अटैक भी किया था। और हाँ, उसने बालवीर को ये चेतावनी भी दी थी कि साइंटिस्ट एपीजे को वो छोड़ दे। वो स्केटबोर्ड पे आया था? हाँ। और उसने मुझे छोड़ने की बात की? हाँ। इसका मतलब वो रॉकेट बॉय जरूर मेरा पोता अंतरिक्षी है। क्या? इसका मतलब पहले प्रचंडिका ने बालवीर के रूप में मुझे किडनैप किया और फिर सारा दोष बालवीर पे डाला और फिर उसने मेरे पोते के कान भर के उसे बालवीर का दुश्मन बना दिया जिसे वो अपना हीरो मानता था। आप चिंता मत कीजिए अंकल, बालवीर है ना, वो सब ठीक कर देगा और आपका पोता अंतरिक्ष वो भी सही रास्ते पे आ जाएगा। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? और ये लैपटॉप, ये तो दादाजी का है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया, मैंने तुम्हारे दादाजी को कारावास से बचा लिया, लेकिन ऐन मौके पर वो दुष्ट बालवीर वहां आ पहुंचा। उसने तुम्हारे दादाजी को भी पकड़ लिया और मुझ पर भी कई वार किए, लेकिन मैं जैसे तैसे वहां से निकल आई। मैं उस बालवीर को नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझे मात क्या दे दी
वो क्या सोचता है मैं हार गया? रुक जाओ, बालवीर बहुत शक्तिशाली है, हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारे दादाजी के ये मिसाइल्स ये बालवीर का अंत कर सकते हैं। तभी तो तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये दिया और कहा कि चारों के चारों मिसाइल बालवीर पर छोड़ दे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे पासवर्ड मांगती, वो बालवीर वहां पहुंच गए। पासवर्ड? इसका तो पता मैं लगा सकता हूँ। अच्छा तो फिर जल्दी करो, अगर हमने ये मिसाइल्स बालवीर पे लॉन्च नहीं किए तो तुम्हारे दादाजी को नहीं बचा पाएंगे। बेचारा बेवकूफ बच्चा कितने आसानी से मेरे चंगुल में आ गया। मैं तो यही चाहती थी कि तुम खुद बालवीर से इतने तंग हो जाओ कि उसको खत्म करने के चक्कर में मेरा हर कहा मानो। आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है प्रचंडिका, मैंने रॉकेट बॉय पर एक यंत्र लगाया था ये जानने के लिए कि रॉकेट बॉय किसका मोहरा है। उस यंत्र की मदद से मैं उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गया। रॉकेट बॉय, इसकी बातों में मत आना, और ये अफार की लड़ाई है, जाओ और आक्रमण करो, अंत कर दो बालवीर का। देखो रॉकेट बॉय, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये बालवीर यहां आया है तो बाल मित्र जरूर उस बूढ़े वैज्ञानिक को मेरी कैद से छुड़ाने गया होगा। मुझे वहां जाना चाहिए। वैसे भी बालवीर रॉकेट बॉय पर वार नहीं कर रहा, इसीलिए रॉकेट बॉय आसानी से उसका अंत कर देगा। रॉकेट बॉय, छोड़ना मत इसे, पूरी शक्ति से आक्रमण करो। रुको प्रचंडिका, मित्र लगता है यहां कोई आ रहा है। बाल मित्र तुम यहां छुप जाओ। बाल
यहाँ पर कोई आया था? प्रचंड ने कहा, अगर यहाँ कोई आया होता तो हम दोनों भाग नहीं जाते। झूठ मत बोलो। बाल मित्र जरूर आया होगा। अरे प्रचंडिका, वो डरपोक है, वो कैसे आ सकता है? लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूं तो ठीक है, तुम मुझ पर वार कर सकते हो, लेकिन मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे वार का जवाब वार से नहीं दूंगा। वार करो मुझ पर। वार करो मुझ पर। अंतरिक्ष। दादाजी, अब तक नहीं था दादाजी, लेकिन अब ठीक हूं। बालवीर, I'm very sorry, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं निर्दोष हूं? जब प्रचंडिका ने मुझे कहा कि तुम पर अटैक करो और खुद भाग गई तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, और फिर मैंने देखा कि तुम मुझ पर हमला ही नहीं कर रहे थे तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम निर्दोष हो। हाँ बेटा, मुझे प्रचंडिका ने ही किडनैप किया था। आज अगर ये बाल मित्र और बाल सखी ना होते तो आज तेरा दादा भी ना होता। थैंक यू बाल सखी, थैंक यू बाल मित्र। मिसाइल तो लॉन्च हो चुके, अब कुछ नहीं हो सकता। सही कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं रोक सकता इन मिसाइल्स को। पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, तबाह। रुक जाओ बाल सखी, बाल मित्र, हमें सबसे पहले मिसाइलों को रोकना होगा। लेकिन मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। नहीं दादाजी, चार मिसाइल्स के सामने अब चार सुपर हीरोज हैं। लेट्स डू इट। Deactivate missile.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.